மகாசங்கல்பத்துக்குண்டான மந்திரம் சொல்ல போறது ஃபர்ஸ்டில் ஆச்சமனம் பண்ணிக்கணும். ஓம் அச்சுதாய நமஹ, ஓம் அனந்தாய நமஹ, ஓம் கோவிந்தாய நமஹ, கேசவா நாராயணா, மாதவா கோவிந்தா, விஷ்ணு மதுசூதனா, த்ரிவிக்ரமா வாமனா, ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ, பத்மநாபா தாமோதரா. மகாசங்கல்பம் பண்ணுறதுக்கு பவித்திரத்தை கையில் போட்டுக்கணும். பவித்திரத்தை உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் ரிங் ஃபிங்கரில் போட்டுக்கணும். ரெண்டு கட்டப்புல ஆசனத்தில் போட்டுக்கணும். ஜலத்தை தொட்டு கையை அரம்பிக்கணும். ரெண்டு தர்ப்பப்புல கையில் பவித்திரத்தோடு மடக்கி வச்சுக்கணும். சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். ஹரிஹி ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் தியாயேத சர்வ விக்னோபசாந்தயே. பிராணாயாமம் பண்ணிக்கணும். ஓம் பூஹ ஓம் புவஹ ஓகும் சுவஹ ஓம் மஹஹ ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ ஓகும் சத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ நஹ பிரசோதயாத். ஓம் ஆபஹ ஜோதிரஸ அமிர்தம் ப்ரஹ்மா பூர்புவஸ்ஸு வரோம் மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷய த்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் ததேவ லக்னம் சுதினம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ ஸ்ரீலக்ஷ்மீபதே அங்க்ரியுகம் ஸ்மராமி அபவித்ரஹ பவித்ரோவா சர்வாவஸ்தாம் கதோபிவா யஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் சபாஹ்ய ஆப்யந்தர சுசிஹி மானசம் வாசிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம். ஸ்ரீராம ஸ்மரணே நைவ வ்யபோஹதே ந சம்சயஹ. ஸ்ரீராம ராம ராம திதிர் விஷ்ணு ததா வாரஹ நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுரேவச யோகஸ்ச கரணம் செய்வ சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் ஸ்ரீ கோவிந்த 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 ஆத்யஸ்ரீ பகவதஹ ஆதி விஷ்ணோஹ ஆதி நாராயணஸ்ய அசிந்த்யய அபரிமிதய சக்திய ப்ரியமாணஸ்ய மஹாஜலௌகஸ்ய மத்யே பரிப்ரமதாம் அநேக கோடி ப்ரஹ்மாண்டானாம் ஏகதமே அவ்யக்த மஹத் அஹங்கார பிருத்திவீ ஆபஸ்தேஜ வாயு ஆகாஷாத்யைஹ ஆவரணைஹ ஆவ்ருதே அஸ்மின் மஹதே ப்ரஹ்மாண்ட கரண்ட மண்டலே ஆதார சக்தி
आदि कूर्म आदि अनंताते अष्ट दिग्गजो परे प्रतिष्ठितस्य उपरितले सत्यादे लोकषट्कस्य अधो भागे महानाडायमान फणिराजशेषस्य सहस्र फणामणि मंडल मंडिते लोकालोक अचलेन परिवृते दिग्दंदे शुंडादंड उत्तंभिते लवणेक्षो सुरासर्पिः दधिक्षीर शुद्धार्णवैः परिवृते जम्बोप्लक्ष शाकशाल्मले कुशक्रौञ्च पुष्कराख्य सप्तद्वीप द्वीपिके इन्द्रद्वीप कशेरो ताम्रगभस्ते नागसौम्य गंधर्वचारण भारतादे नवखंडात्मके महामेरो गिरि कर्णिका उपेत महासरोरुहायमान पंचाशत कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले सुमेरु निषध हेमकूट हिमाचल माल्यवत पारियात्रक गंधमादन कैलास विंध्याचलादे महाशैल अधिष्ठिते लवण समुद्र मुद्रिते भारत किं पुरुष हरि इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरुभद्र कुरुभद्र अश्वकेतो मालाख्य नववर्ष उपशोभिते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोह दक्षिणे पार्श्वे कर्मभूमौ स्वाम्यवन्ते कुरुक्षेत्रादे सम भूमध्य रेखायाः पूर्व दिग्भागे विंध्याचलस्य दक्षिण दिग्भागे दंडकारण्ये गोदावर्याः दक्षिण तीरे सकल जगत्सृष्टुः परार्धद्वय जीविनः ब्रह्मणः प्रथमे परार्धे पञ्चाशत् अब्दात्मके अतीते द्वितीये परार्धे पञ्चाशत् अब्दादो प्रथ
प्रथमे वर्षे प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे प्रथमे दिवसे अहनी द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते स्वायंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष आख्येषु षट्सु मनुषो व्यतीतेषु सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे वर्तमाने कलियुगे प्रथमे पादे शालीवाहन शकाब्दे चांद्रसावन सौरादि मानभ्रमिते प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतो श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णमास्यां शुभतिथौ वासरः भानुवासर युक्तायां श्रविष्ठानक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पौर्णमास्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् श्री भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थम् श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महते संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु पशुपक्षी मृगादि योनिषो पुनः पुनः अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण इदानीं तन मानुष्ये द्विजन्म विशेषं प्राप्तवतः मम इह जन्मनि पूर्वजन्मसो मया कृतानां ब्रह्महत्यादि स्वर्णस्तेज सुरापान गुरुतल्पगमन महापातक चतुष्टय व्यतिरिक्तानां तत संसर्ग आख्यानां तेषां पादकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः
पतिव्रतायाः संगम निमित्तानां निषिद्ध शास्त्र अभिगमनादीनां विद्वद्ब्राह्मण पंक्तिभेद आचरण वार्धकी विधवा वेश्या वृषल्यादि संसर्ग निमित्तानां बाल्ये वयसे कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ते अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय व्यापारैः कामक्रोध लोभमोह मत मात्सर्य आदिभिः संभावितानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनार्थं कर्मेन्द्रिय मनोवाक्काय व्यापारैः ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संसर्ग निमित्तानां भूयो भूयः अभ्यस्थानां तत्र तत्र गर्भ उत्पत्ति निमित्तानां तत सह भोजन तत उच्छिष्ट भक्षण अश्वयोनि पश्वादियोनि रेतस्खलित निमित्तानां गोवध पश्वादे प्राणिवध निमित्तानां स्त्रीशूद्र विक्षत्रिय उपद्रव निमित्तानां अयुक्त लवण पक्वान्न मधुक्षीर तिलतैल मांस मूलफल शाक रक्तवास सुवर्ण कम्बलादि विक्रय निमित्तानां अश्वादिवाहन इक्षुकांड घातक परापवातन भृतक अध्यापन असत प्रतिग्रहण वृक्षच्छेदन धान्यरौप्य पशुस्तेय वार्धकी शूद्रसेवादि प्रतिग्रह शूद्रप्रेष्य हीनजाते प्रतिग्रह हीनसख्य पंक्तिभेदन पाकभेदन परान्न भोजन असत शास्त्रालाप ग्रामाधिकार मठाधिकार पौरोहित्य परीक्षा पक्षपातक तटाक आराम विक्रय तटाक विच्छेदनादि समपादकानां ज्ञानतः
सकृत् कृतानां अज्ञानतः असकृत् कृतानां ज्ञानतः अज्ञानतश्च अभ्यस्थानां तत्र तत्र अभ्यस्थानां अत्यंत अभ्यस्थानां निरंतर अभ्यस्थानां चिरकाल अभ्यस्थानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जाते भ्रंशकरणां प्रकीर्णकानां अभिहित कर्माचरण विहित कर्म त्यागादीनां सर्वेषां पापानां उपपादकानां महापादकानां समपादकानां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनद्वारा अयाज्य याजन असत प्रतिग्रह अभक्ष्य भक्षण अभोज्य भोजन अपेय पेय पानादे समस्त पापक्षयार्थं वल्लभा समेत श्री महागणपते सन्निधौ अश्वत्थ नारायण स्वामी सन्निधौ देव ब्राह्मण सन्निधौ विशालाक्षे समेत श्री विश्वेश्वर स्वामी सन्निधौ सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामी सन्निधौ पूर्ण पुष्कलांब समेत श्री हरिहर पुत्र स्वामी सन्निधौ वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामी सन्निधौ श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण स्वामी सन्निधौ श्रावण्यां पौर्णमास्यां अध्याय उपाकर्म करिष्ये श्रावण्यां पौर्णमास्यां अध्याय उपाकर्म करिष्ये तदंगं श्रावणी पौर्णमासी पुण्यकाले महानद्यां शिवगंगा स्नानमहं करिष्ये உங்க கையில மடக்கி வச்சிருக்கிற ரெண்டு தர்ப்ப புல்ல உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே போட்டு விடுறது ஜலத்தை தொட்டு கையை அலம்பிக்கிறது முடிஞ்சவாளெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணணும் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும் அதிக்ரூர மகாகாய கல்பாந்த தஹனோபமா பைரவாய நமஸ்துப்யம்
அனுஜ்ஞாம் தாதுமர்ஹசே துர்போஜன துராலாப துஷ்பிரதிக்ரஹ சம்பவம் பாபம் ஹர மம க்ஷிப்ரம் சஹ்யகன்யே நமோஸ்துதே த்ரிராத்ரம் ஜாஹ்னவீ தீரே பஞ்சராத்ரம் த யாமுனே சத்யஃ புனாத காவேரீ பாபம் ஆமரணாந்திகம் கங்கே கங்கே தே யோ ப்ரூயாத யோஜனானாம் சதைரபே முச்யதே சர்வ பாபேப்யஹ விஷ்ணுலோகம் சகச்சதே சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. பவித்ரத்தை காதில் வச்சுக்கணும், இல்லாட்டா ஒரு தட்டில் வச்சுக்கணும், கை கால முஞ்சி அரம்பிண்டு வரணும், இல்லாட்டா முடிஞ்சவா ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்நானத்துக்காக இங்கே பிராதான்யம், முடிஞ்சவா ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் பூனனை மாற்றி காண்டரிஷி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணணும். முடியாதவா கையில் ஜலத்தை எடுத்துட்டு ததிக்ரா விண்ணோ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரிஷ்யம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி புரோக்ஷணம் பண்ணி ஆச்சமணம் பண்ணி உட்காந்துக்கணும். காமோகாரிஷியது சாரி காண்டரிஷி தர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு.